आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, और ये एकदम फ्री है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। आज की इस वीडियो में मैं माइग्रेन के बारे में बात करने वाली हूं और माइग्रेन की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो कि माइग्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो माइग्रेन जो एक तरीके का सिर में दर्द होता है, माइग्रेन में आपको बहुत ही ज़्यादा तेज सिर में दर्द होता है और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो माइग्रेन यदि आपको होता है तो माइग्रेन में आपको आपके सिर के किसी आधे हिस्से में दर्द होता है, चाहे फिर वो दाया भाग हो चाहे फिर बाया भाग हो, तो या दोनों भी भाग में आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब कभी आपको माइग्रेन होता है तो आपके किसी एक विशेष भाग में दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत असहनीय दर्द होता है आपको माइग्रेन में। और जो माइग्रेन का दर्द होता है वो सूर्य उदय होने के से शुरू होता है और सूर्यास्त तक, यानी कि सनराइज से तो सनसेट तक आपको ये दर्द बना रहता है। यह रोग जो होता है नाक की श्लेषात्मक झिल्लियां जो होती हैं, यानी उसमें यदि सूजन आ जाती है तब आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम साइनोसाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपको साइनोसाइटिस है तो माइग्रेन का पेन आपको बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपका शरीर अंदर से खोखला है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तभी आपको माइग्रेन के जो पेन होते हैं वो अक्सर हो जाया करते हैं। इस वीडियो में मैं माइग्रेन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं बताने वाली हूँ, बस इतना जान लीजिए कि माइग्रेन में आपको सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और किसी एक हिस्से में, यानी कि आधे किसी हिस्से में सिर में आपको दर्द बना रह सकता है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जो माइग्रेन के केस में बहुत ज़्यादा अच्छी है वो है सेंगुनेरिया नाइट्रिका। इसे आपको 200 पोटेंसी में लेना है। इस मेडिसिन को अमेरिका में पाए जाने वाले एक पौधे से तैयार किया जाता है। सेंगुनेरिया को आप तब लेंगे जब आपके दाएं हिस्से में आपको दर्द होता है, सिर के किसी दाएं हिस्से में यदि आपको तकलीफ होती है। और इसमें क्या होता है कि जब सूर्योदय होता है तब आपका जो दर्द होता है वो शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपका दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, और दोपहर तक आपका जो सिर में दर्द होता है, जो माइग्रेन का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगता है या सूर्य ढलने लगता है तब आपका दर्द भी धीरे धीरे घटता चला जाता है, और शाम होते तक जैसे ही दिन ढल जाता है तो आपका जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। इस मेडिसिन की दो बूंद, यानी कि 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन की दो बूंद आपको दिन में तीन बार लेनी है। यदि आपको दाएं सिर में दर्द होता है और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता चला जाता है, सुबह होते ही साथ यदि दर्द शुरू हो जाता है और संध्या होते तक यदि आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो ये मेडिसिन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आप इस मेडिसिन का उपयोग ज़रूर करें। इसके बाद में हमारी अगली मेडिसिन है वो है साइलिशिया। इसे आपको 30 पोटेंसी में ले सकते हैं या फिर 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। जो साइलिशिया मेडिसिन, इसे नदियों से या फिर रेत से निकाले जाने, रेत में से एक निकाले जाने चमकीली पाषाण चूर्ण होता है जिसकी मदद से इसे बनाया जाता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है माइग्रेन के केसेस में। इसमें भी दाएं तरफ के जो सिर होता है उसमें दर्द होता है, और इसमें भी सूर्योदय से दर्द शुरू होता है और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है आपका दर्द एकदम ठीक होता चला जाता है। अगर आप इसके जो रोगी होते हैं, इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं जिसमें माइग्रेन है, और यदि उसको साइलिशिया मेडिसिन देनी है, तो उन लोगों में आप अक्सर देखने को मिलता है कि उनमें पेट संबंधी बीमारियां भी होती हैं, उन्हें कब्ज की भी तकलीफ होती है। तो यदि उनके पेट संबंधी कोई बीमारी है, उन्हें कब्ज की तकलीफ है, तब आप माइग्रेन के केसेस में इस मेडिसिन को उनको ज़रूर दे सकते हैं। दाएं तरफ का यदि दर्द होता है तो बहुत ही बेजोड़ दवा है माइग्रेन के केसेस में। इस रोगी में शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, ठंडी हवा बिल्कुल भी उनसे सहन नहीं हो पाती है। तो इस तरीके का यदि रोगी है तो उनको ये मेडिसिन दी जा सकती है। जैसे ही 11 बजते हैं उनके सिर में बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द होता है, जो कि रेगुलरली यदि ऐसा होता है तो ये मेडिसिन आप उन पेशेंट को दे सकते हैं, या वे ऐसे पेशेंट इस मेडिसिन को ले सकते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि आप 30 पोटेंसी इस मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो दिन में चार बार इसकी दो बूंद लें, और यदि 200 पोटेंसी में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तो दिन में तीन बार इसकी दो बूंद आपको लेनी चाहिए।
अब तक हमने बात की थी कि जो भी दर्द आपके दाएं हिस्से में होता है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, लेकिन अब इसके जो मैं मेडिसिन बताऊंगी वो आपके अगर बाएं हिस्से में दर्द होता है तब आपको उसका उपयोग करना है। तो बाएं हिस्से के माइग्रेन के लिए जो मेडिसिन मैं बताने वाली हूँ वो ये है। सबसे पहली मेडिसिन है स्पाइजेलिया, इसे भी 200 पोटेंसी में लेना है। इसे इंग्लैंड में पाए जाने वाली एक बूटी से तैयार किया जाता है, यानी कि एक जड़ी बूटी है जिससे इसे तैयार किया जाता है। इसमें भी सेम जो हमने बाकी की मेडिसिन देखी उसी तरीके का दर्द होता है, लेकिन बस अंतर इतना होता है कि इसका दर्द जो होता है बाएं भाग में होता है, और यह सिर में, जब ये सिर में दर्द होता है तो बाएं भाग में होता है, और जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही इसका दर्द शुरू होता है और सूर्यास्त तक ये दर्द बना रहता है। और स्पेशली जब ठंड होती है या बरसात का मौसम होता है तो इन दिनों में रोग जो होता है या रोगी की जो तकलीफें होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्पेशली ठंड में और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा माइग्रेन के पेन आपको समझ में आते हैं, और इसका दर्द जो होता है कभी कभी आपकी बाएं आँख की तरफ भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके की यदि तकलीफ होती है, इस तरीके का माइग्रेन का तकलीफ यदि आपको होती है, तो स्पाइजेलिया 200 की 2 बूंद आपको दिन में 3 बार इसका सेवन करना चाहिए। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है सीपिया, इसे भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है। सीपिया जो मेडिसिन होती है समुद्री जो मछली होती हैं, जो समुद्र में पाई जाने मछली वाली मछली होती है, उनके रस से ये इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है, और ये बाएं भाग के माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कई केसेस में देखा गया है कि माइग्रेन के जो भी दर्द होते हैं इस मेडिसिन लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यह दवा जो होती है सिर के बाएं तरफ के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, और इसमें भी जो दर्द होता है आपको दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द माइग्रेन में आपको देखने को मिलता है। और यह जो मेडिसिन होती है ये स्त्रियों में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, उनमें बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव ये दिखाती है। यदि जरायु का की बीमारी यदि आपको है और उसके साथ यदि आपको माइग्रेन का दर्द बना रहता है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। यदि आपके सिर में आपकी आँखों के ऊपर या आँखों के आसपास यदि आपको दर्द होता है तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसकी 200 पोटेंसी को आपको दिन में 3 बार इसकी 2 बूंद लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छा असर आपको या बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। सीपीए मेडिसिन जो होती है विशेषतर जैसे कि मैंने बताया विशेष रूप से स्त्रियों में बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाती है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की होती हैं उनमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है ये मेडिसिन। ऐसी महिलाओं जिन्हें पानी में बहुत ज़्यादा देर तक काम करना होता है, जिनके हाथ लगभग पानी में भीगे हुए होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसी महिलाएँ जो पानी में जिनका काम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है। उनके लिए ये दवा बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। अगर आपको ये मेडिसिन ऐसा कोई तकलीफ है या ऐसे कोई रोग है या माइग्रेन का जो दर्द है कि सुबह 11 बजे से शुरू होकर यदि 4 बजे तक बना रहता है और इस दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो सीपीए 100% बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ठंड लगने से यदि आपको जुकाम हो जाता है या फिर आपके जो सिर है या ललाट जिसे हम कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये सीपीए ओवरऑल जो होता है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके के लक्षण होंगे कि आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो मैंने आपको 2 तरीके की मेडिसिन बताई है। यदि आपके दाएं तरफ में दर्द होता है तो आपको कौन सी मेडिसिन का उपयोग करना है, यदि आपके बाएं हिस्से में दर्द होता है तो आपको किस तरीके की मेडिसिन का उपयोग करना है। जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, माइग्रेन के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। तो आप इन मेडिसिन का कम से कम 6 मंथ तक उपयोग जरूर करें। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए, और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। इसके बाद मैं मिलूंगी इसी तरह से किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।